ये भजन तो जरूर सुना होगा। जिसे देखो वही इस भजन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाल रहा है और आज इस भजन पर 66 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। आखिर इस भजन को किसने गाया है? इसे गाया है अभिलिप्सा पांडा और जीतू शर्मा ने। आप सोच रहे होंगे ये दोनों कौन हैं और इस भजन को गाकर कैसे हुए रातों रात वायरल। आज आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। 30 नवंबर 2001 को उड़ीसा में क्योंझर जिले के बड़बिल शहर के एक ब्राह्मण फैमिली में बहुत ही टैलेंटेड बच्ची का जन्म हुआ, जिनका नाम है अभिलिप्सा पांडा और अभी ये केवल 21 साल की हैं। अभिलिप्सा ने अपने स्टार्टिंग की पढ़ाई उड़ीसा से ही कंप्लीट की है और इन्होंने हाल ही में अपना 12th कंप्लीट किया है। अभिलिप्सा की फैमिली में इनके मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। इनके पापा अशोक कुमार पांडा इंडियन आर्मी में जॉब करते थे और अब वो सिक्योरिटी मैनेजर हैं और इनकी मम्मी पुष्पा पांडा एक टीचर हैं। अभिलिप्सा के पास कराटे में ब्लैक बेल्ट है और इन्होंने साल 2019 में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल भी जीता है। अभिलिप्सा और संगीत का रिलेशन बहुत पुराना है। इनके दादा हारमोनियम बजाने के लिए आसपास के गांवों में बहुत फेमस थे। चलिए बात करते हैं इनके सिंगिंग करियर की। 4 साल की उम्र में अभिलिप्सा ने अपने नानी के कहने पर गायत्री मंत्र गाया था, जिसकी सभी ने बहुत तारीफ की और इनकी फैमिली ने उन्हें ओडिशा क्लासिकल वोकल सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अभिलिप्सा को ये बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिर अभिलिप्सा ने 2014 में हिंदुस्तानी वोकल सीखना स्टार्ट कर दिया। जब वो हिंदुस्तानी वोकल सीख रही थी, तभी उनके गुरु ने उनसे पूछा क्या वे एक बच्चे के लिए गाना गाएंगी, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। तो कुछ इस तरह अभिलिप्सा ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। अभिलिप्सा बचपन से ही बहुत अच्छा गाती हैं। इन्होंने एक उड़िया रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम था ओडिशा सुपर सिंगर। इस रियलिटी शो के डायरेक्टर को अभिलिप्सा का म्यूजिक इतना पसंद आया कि उन्होंने इनकी गाई हुई क्लिप सोशल मीडिया पर डाल दी और वो वीडियो तेजी से वायरल हो गई। तभी इन पर जीतू शर्मा की नज़र पड़ी। जीतू शर्मा एक राइटर और सिंगर हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर अभिलिप्सा ने हर हर संभव गाना गाया है। जीतू और अभिलिप्सा ने कैसे साथ में भजन गाया, इसे जानने से पहले चलिए जान लेते हैं जीतू शर्मा के बारे में कुछ। जीतू शर्मा बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पापा सब्जी बेचकर अपना घर चलाया करते थे। जीतू बचपन से ही गाना सीख रहे हैं और किसी रियलिटी शो में जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कभी किसी रियलिटी शो में जाने का मौका नहीं मिला और 2019 में इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया जीतू शर्मा नाम से और उस पर ये कवर सॉन्ग्स डालने लगे। फिर इन्होंने शिवरात्रि पर भोलेनाथ का एक सॉन्ग गाया और वो तेजी से वायरल हो गया। तब से जीतू यूट्यूब पर भक्ति सॉन्ग ही डालने लगे। जब जीतू की मुलाकात अभिलिप्सा से हुई, तो ये दोनों ही साथ में भोलेनाथ के सॉन्ग गाकर डालने लगे। इन्होंने 5 मई 2022 को साथ में हर हर शंभू सॉन्ग डाला था। डालने के बाद इस सॉन्ग पर कुछ ज्यादा व्यूज नहीं आए थे, लेकिन जून आते आते इनका ये सॉन्ग तेजी से वायरल हो गया और आज इस भजन पर 66 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। अभिलिप्सा बताती हैं कि ये भजन ऑडियंस के टेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये सॉन्ग जरूर वायरल होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद से ज्यादा ऑडियंस का प्यार और आशीर्वाद मिला। इस चीज के लिए वो सभी को थैंक यू बोलती हैं। अभिलिप्सा और जीतू बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और मैं आज सफल हूँ तो महादेव की वजह से। अभिलिप्सा ने हर हर शंभू सॉन्ग तो गाया ही, इसके अलावा मंजिल केदारनाथ और भोलेनाथ सॉन्ग भी गाए हैं, जो कि आपको जीतू शर्मा के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। और इस सावन भी अभिलिप्सा के बहुत से सॉन्ग आने वाले हैं। जब से अभिलिप्सा का ये सॉन्ग वायरल हुआ है, तब से इन्हें बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के कॉल आ रहे हैं। क्या पता अभिलिप्सा आपको बहुत जल्द बॉलीवुड में भी दिखाई दें। अगर बात करें अभिलिप्सा के फैन फॉलोइंग की, तो इनके इंस्टाग्राम पर 13.7 के फॉलोवर्स हैं और वहीं इनके यूट्यूब चैनल पर 22,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अभिलिप्सा यूट्यूब पर बहुत पहले से हैं। इनकी 5 साल पहली वीडियोस भी आपको इनके चैनल पर मिल जाएंगी। अभिलिप्सा का ड्रीम है कि वो सिंगिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम और मुकाम हासिल करें। वेल, हम प्रे करते हैं कि अभिलिप्सा के सारे सपने पूरे हों। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूंगी। सो गाइस, ये थी रियल स्टोरी अभिलिप्सा पांडा की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर संभव जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।